होने हम भाषा का अर्थ परिभाषा प्रकार सिद्धांत इन सब का अध्ययन फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कर चुके हैं और उसी जो आपका फोर्थ पेपर है फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम के परिभाषा एवं पाठ्य वस्तु पर विचार विमर्श इसी का थर्ड यूनिट है जो है कक्षा कक्ष निर्माण। कक्षा कक्ष में जो भाषा होती है उसका एक बहुत अधिक महत्व होता है। माहौल के अनुसार जो है हम बातें करते हैं, माहौल का निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक हम शिक्षण कार्य भी सही ढंग से नहीं करते, ऐसा माना जाता है। और ये वास्तव में भी ये प्रैक्टिकल में भी अनुभव किया गया है कि जब तक हमारे को उचित वातावरण अध्ययन के लिए नहीं मिलता है तब तक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया भी समुचित और सही नहीं होती है। इसके लिए आवश्यक है कि कक्षा में जो है कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, सभी विषय में उसके कक्षा का वातावरण उस विषय की प्रकृति के अनुकूल यदि नहीं होगा तो विद्यार्थी का अधिगम स्तर में मन नहीं लगेगा या अधिगम स्तर करने का वो प्रयास नहीं करेगा। विद्यार्थी के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए या अधिगम कराने के लिए एक वातावरण का निर्माण किया जाता है और उस वातावरण का निर्माण करके हम जो है शिक्षण कार्य कराने पर बंदियां देते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हमको कोई जैसे हम किसी घर में शादी का माहौल होता है और उस माहौल में यदि हम बालक को अध्ययन करने के लिए कहें तो क्या हुआ अध्ययन में उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। अध्ययन करने के लिए एक शांत एकांत माहौल होना चाहिए जिसमें उसको अधिगम करने की प्रवृत्ति हो, उसका मन उसी समय उस ही पाठ्यक्रम में अपने विषय वस्तु की ओर ही ध्यान आकर्षित रहे। वैसे ही कक्षा में भी जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो एक शिक्षक का ये दायित्व हो जाता है कि एक उचित वातावरण का निर्माण करके शिक्षा जो है कक्षा में शिक्षण कार्य कराए ताकि बालक उसमें रुचि ले, उसका अधिगम करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करे। वैसे ही कक्षा के जो भाषा की कक्षा है जिसमें भाषा का निर्माण करना, सीखना लिखना पढ़ना पे बल दिया जाता है उस कक्षा के अंदर, अर्थात हिंदी शिक्षण की कक्षा है या इंग्लिश की है संस्कृत की है, उन वह कक्षाएँ भाषा शिक्षण की कक्षाएँ कहलाती हैं। तो भाषा शिक्षण की कक्षा में जो है उसका माहौल कैसा होना चाहिए, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए जिससे बालक उसके अंदर रुचि ले। तो जो ऐसा माना गया है कि कक्षा कक्ष जो है शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। अब हम जैसे पहले प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति होती थी तो वहाँ पर भी जो है जब गुरु के सान्निध्य में रहकर शिक्षण कार्य कराया जाता था तो वहाँ का जो पूरा माहौल होता था, वहाँ का जो पूरा वातावरण होता था वो पूरा शिक्षणमय होता था और वहाँ पर शिक्षक और शिष्य उनका जो है हमेशा वार्तालाप जो होता था वो शिक्षण अधिगम से संबंधित ही होता था। तो वो माहौल उस समय उनको वही दिया जाता था और उनका ध्यान इधर उधर नहीं होए या विचलित ना हो, इधर उधर भटके नहीं, इसके लिए गुरु जो होते हैं वो हमेशा विद्यार्थी को नई नई विधियों से नए नए प्रयोगों से का कार्य कराने पर बल देता था। वैसे ही हमको भी एक शिक्षक होने के नाते कक्षा के अंदर जो शिक्षक का दायित्व है कि कक्षा का माहौल जिस विषय का है उस विषय से संबंधित माहौल का क्रिएशन करके ही एक बालकों को शिक्षण का कार्य कराए। तो जो भाषा की कक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? भाषा की कक्षा जो है उसमें भाषा से संबंधित चार्ट लगे होने चाहिए, जैसे स्वर है व्यंजन है इनके चार्ट लगे हुए होने चाहिए, या पिक्चर जो जैसे अ से अनार, अनार और वर्ण दोनों की पिक्चर से कंपैरिजन करते हुए उसका चार्ट लगाना चाहिए ताकि विद्यार्थी दिन रात यदि उसको देखेगा कक्षा के अंदर 6 घंटे विद्यार्थी उस कक्षा में बैठेगा और उसको वो देखेगा तो उसको ये जानकारी उसके मस्तिष्क में वो स्थायी ज्ञान के रूप में विराजमान हो जाएगा, ज्ञान परिपक्व हो मतलब स्थायी हो जाएगा कि उसको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि अ से अनार जो है में कैसे लिखा जाता है।
इसके लिए जो है एक शिक्षक जो है अपने विषय से संबंधित विविध सहायक सामग्री, मॉडल, चार्ट आदि को अपनी कक्षा कक्ष में उसको लगा कर रखना चाहिए। एक भाषा की कक्षा में जो है कौन कौन से साधन होने चाहिए जिससे कक्षा के अंदर जाते ही ये विदित हो जाए कि एक किस विषय की कक्षा है। तो इसके लिए माना गया है कि जो कक्षा के अंदर जो है स्वर और व्यंजन से संबंधित चार्ट, चित्र इत्यादि जो है जगह जगह पे लगे हुए होने चाहिए, जो और चित्र है वो बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए ताकि बच्चों को आकर्षित करे, क्योंकि बालक जो होते हैं वो रंग बिरंगे चित्र के प्रति जो है आकर्षित होते हैं। इसी के लिए जो प्राइमरी लेवल में बच्चों की जो कक्षाएं होती हैं उनमें रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से सजावट की जाती है और विषय से उन विषय के ही आर्टिकल, चित्र, स्वर रखे, मॉडल आदि को रखा जाता है। तो जो हिंदी कक्षा की कक्षा है उसमें स्वर व्यंजनों के चार्ट लगे हुए होने चाहिए और चार्ट भी चित्र के माध्यम से दोनों को बताया हुआ होना चाहिए ताकि चित्र के वजह से वह पहचान सके कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं और किस स्वर क्या की को कैसे लिखते हैं। लिखावट के प्रति भी उनके प्रति मन में आ जाएगा कि इसकी आकृति कैसे है, कैसे उसको लिखा जा रहा है। फिर दूसरा है कि जो व्याकरणिक परिभाषाएं हैं, जो भी कक्षा के अनुसार जो ग्रामर लगाई जा रही है वो कक्षा के और बालकों की रुचि के और स्तर के अनुसार हमको लगाने हैं। जिस स्तर की कक्षा है उस स्तर के व्याकरण से संबंधित परिभाषाएं जो प्रमुख रूप से उनके विषय से में सम्मिलित की गई है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, उन सब की परिभाषाओं का जो है चार्ट उदाहरण सहित लगा हुआ होना चाहिए ताकि हम अलग दिन में 3 से 4 बार जब भी उसकी दृष्टि पड़ेगी वो उसको पढ़ेगा तो उसको यह ज्ञात हो जाएगा कि स्वर कैसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, संज्ञा किसे कहते हैं, स्वरनाम किसे कहते हैं, उन सब की जो परिभाषाएं हैं बालक को याद हो जाएगी, उसके अलग से हमको ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद है उचित वाता अनुकूलन होना चाहिए। कक्षा कक्ष जो है उसमें उचित हवा, प्रकाश आदि की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही बैठने का समुचित साधन सुविधाएं भी होनी चाहिए। यदि प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे को दिखाई नहीं देगा और हवा नहीं आएगी तो घुटन और गर्मी की वजह से बालक का शिक्षण कार्य में जो है मन ही नहीं लगेगा। तो एक कक्षा का जो वातानुकूलन है वो भी बहुत समुचित होना चाहिए। उसमें उचित वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, बालक के बैठने के लिए समुचित फर्नीचर इत्यादि होना चाहिए ताकि बच्चा कक्षा के अंदर एक आराम के वातावरण में बैठकर, क्योंकि घुटन और बालक को उसमें 6 घंटे वहाँ बैठना होता है और यदि उसका कक्षा का वातावरण सही नहीं होगा, प्रकाश हवा की व्यवस्था सही नहीं होगा तो उसको घुटन की महसूस होगी और उसका शिक्षण कार्य में मन नहीं लगेगा। तो कक्षा कक्ष का जो वातावरण है, जो वेंटिलेशन इत्यादि, प्रकाश आदि की व्यवस्था भी समुचित होनी चाहिए। अब है भाषा शिक्षण के उद्देश्य कि कक्षा में जो भाषा शिक्षण करा रहे हैं इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है कि बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना जिससे बच्चे के वोकैबुलरी का ज्ञान अधिक से अधिक हुए। इसके बारे में हमने पूर्व में भी बहुत अध्ययन कर रखा है और आज मैं इसको संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। दूसरा है लोकोक्ति मुहावरों से संबंधित ज्ञान, क्योंकि भाषा का मूल अलंकारिक रूप जो है प्रस्तुत करने के लिए लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को गागर में सागर भरने की जो प्रवृत्ति है लोकोक्ति मुहावरों के माध्यम से ही होती है और जिसके माध्यम से जो है हम अन्य अर्थ की प्रतीति करा सकते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण के नियमों का ज्ञान। व्याकरण के समस्त नियमों का बालक को जब तक ज्ञान नहीं होगा वो भाषा का समुचित प्रयोग करने की क्षमता उसमें नहीं आएगी और जब तक उस बालक भाषा को सही रूप में नहीं जानेगा तब तक उसकी ना तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति सही होगी और ना ही लिखित अभिव्यक्ति सही होगी। इसलिए जो है भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक के बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने चारों कौशलों का विकास करना। इसके बाद है वाचन संबंधी जो भी त्रुटियां हैं
उन त्रुटियों को बालक के समय अनुसार समय से पूर्व ही दूर करने का प्रयास करना, क्योंकि यदि वो आदत में आ गया बालक के तो वो आजीवन उसकी बनी रहेगी और वो उसकी जो है गलती कभी भी पूर्व ठीक नहीं होगी। लास्ट है बालक के मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, बोलने और लिखने की क्षमता का विकास करना। आज का आपका गृह कार्य है कि भाषा शिक्षण की कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए तथा भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए।